करते हैं क्या प्रिंसिपल्स में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल हमको किसको किसका पढ़ना है, ईल्टन मायो का। तो ईल्टन मायो के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जो मायो है उसने किस किस पे क्या बोल रहा है। सर मेजर कंट्रीब्यूशन, उनके मेजर कंट्रीब्यूशन क्या थे। हम सभी को पता है प्रिंसिपल्स क्यों बनाए जाते हैं, रूल्स और रेगुलेशन सेट किए जाते हैं, एक गाइडलाइन होती है जिसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं हम वर्क कर सकते हैं। और वो प्रिंसिपल्स बनाने के पहले उन्होंने क्या किए हैं, काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उसके बाद उन प्रिंसिपल्स को क्या किया है, सेट किया है। और जो भी उनका क्या था उस एक्सपीरियंस को कर लेने में या उस एक्सपेरिमेंट को करने में जो जो उनका कंट्रीब्यूशन था वो हमको उसमें स्टडी के थ्रू बताया गया है। तो अगर इल्टन मायो के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले मुझे समझना है हु वाज इल्टन मायो, इल्टन मायो कौन था। इल्टन मायो वाज बोर्न इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया 1880 1880 में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया, मायो वर्क फ्रॉम 1926 टू 1949। किस पे उन्होंने इसमें वर्क किया, किसके ऊपर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर वर्क किया 1926 से 1949 तक एज अ प्रोफेसर ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। देखो ऑब्वियस बात है, अगर वो इंडस्ट्रियल रिसर्च वर्क रिसर्च कर रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में तो वो जनरली प्रिंसिपल सेट करेगा किसके किससे रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि वो वही एक्सपेरिमेंट करेगा। उसने अपना 1926 से लेकर 1949 तक का टाइम दिया रिसर्च के लिए, इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। ही इज द बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क बेस्ड ऑन हॉटसन स्टडी, उनकी जो हॉटसन स्टडी थी उसी के बेसिस पे उनके वर्क को बेस्ट वर्क बोला गया, लोग उसी काम से उनको जानते हैं। मायो बिलीव दैट बोथ सोशल रिलेशनशिप एंड द जॉब कंटेंट अफेक्ट जॉब परफॉर्मेंस। अब देखो हर किसी की अपने अपना परसेप्शन होता है और हर किसी की अपनी अपनी क्या होती है, एक थिंकिंग होती है। उसका ऐसा मानना है, वो ऐसा बिलीव करता है, इल्टन मायो ऐसा बिलीव करता है, उसने अपनी स्टडी में ये सब देखा कि जो काम होता है ना उसका सोशल रिलेशनशिप और जॉब कंटेंट वो किसको अफेक्ट करता है, जॉब परफॉर्मेंस को, क्यों क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो मायो की जो थ्योरीज है उनमें ये सब दिखेगा अपने को, क्या बोल रहा है कि उसको उसके बेस्ट वर्क किससे, हॉटसन स्टडी से जानते हैं। और उनकी एक बुक भी है जिससे उन्हें लोग अच्छे से जानते हैं, ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियलाइजेशन सिविलाइजेशन, उन्होंने उसके ऊपर एक बुक भी लिखी है। समझ में आया आप मुझे इल्टन मायो कौन है, एक कौन है, एक इंडस्ट्रियल रिसर्च बोलना कि उन्होंने किया है किसके किसके ऊपर, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, हॉटसन स्टडी जिसको हम बोल रहे हैं, आगे हम उसको डिस्कस भी करेंगे कि हॉटसन स्टडी क्या है। अब उन्होंने कंट्रीब्यूशन किस किस फील्ड में दिया, तो देखो मुझे दिख रहा है मोटिवेशन थ्योरी एंड हॉटसन स्टडीज, ग्रुप डायनेमिक के ऊपर किया, और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जो उनका पूरा कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने मोटिवेशन थ्योरी में भी बताया, वो ये बताना चाह रहे हैं कि ह्यूमंस के जो सोशल रिलेशन होते हैं और उनका जॉब कंटेंट जो होता है वो उनकी जॉब परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, उसी को वो क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। हमें समझ में आ गया हु वाज इल्टन मायो, इल्टन मायो कौन था। अब स्टडी उसने कहाँ कंडक्ट की, देखो ये पिक्चर एक दिख रहा है, ये एक प्लांट है, हॉटसन स्टडी की बात करें, स्टडीज कंडक्टेड कहाँ पे किया उन्होंने उसके बारे में बात करें। इसमें जनरली यही डिस्कशन, देखो उन्होंने बहुत सारा वर्क किया बट जिस काम से वो जाने जाते हैं वही काम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्या बोल रहे हैं कि हॉटसन वॉज एन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक प्लांट बेस्ड ऑन स्टीरियो इलेक्ट्रिक एटअप इट्स पीक बाय द फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट। देखो ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में एक प्लेस है हॉटसन, देखो ऊपर यहाँ पे एक पिक्चर अगर दिख रहा हो तो वहां दिख रहा है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी हॉटसन, उस प्लांट के ऊपर उन्होंने क्या किया, पूरा स्टडी किया है। क्या स्टडी किया है उन्होंने, वहां पे 40,000 इम्प्लॉइज जो हैं, उन पीपल्स जो हैं उनके ऊपर स्टडी किया। द हॉटसन स्टडी वर अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोडक्टिविटी स्टडीज कंडक्टेड बिटवीन 1927 एंड 1932 दैट कलेक्टेड लार्ज डेटा सेट। उन्होंने वहां पे 1927 से लेके 1923 तक क्या किया,
किया हॉटसन का, जो भी वहां पे इलेक्ट्रिक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी, वहां पे कितने एम्प्लॉयज के बीच में 40,000 पीपल जो फैक्ट्री में एम्प्लॉयड थे उन सब के ऊपर क्या किया है, वर्क किया है, उन सब की ग्रुप क्या जानने के लिए स्टडी, वर अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोडक्टिविटी, कितना सारा उन्होंने क्या किया अपना 3 और 3 6 ईयर्स वहां पे दिए, और उनको 6 ईयर्स के बेसिस पे क्या मिला, एक लार्ज डेटा सेट मिला, उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, द वेरी फास्ट स्टडी दैट वॉज कंसर्न वर्क प्लेस लाइटिंग, किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया उन्होंने अभी, कंसर्न वर्क प्लेस लाइटिंग, द स्टडी साउट टू अंडरस्टैंड इफ चेंजिंग लाइटिंग कंडीशन रिजल्ट इन इंक्रीज और डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। वो मुझे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, स्पेशली मायो वॉन्टेड टू फाइंड आउट वॉट इफेक्ट फटिग एंड मोनोटोनी हैड ऑन जॉब प्रोडक्टिविटी एंड हाउ टू कंट्रोल देम थ्रू सच वेरिएबल सच एज, वो रेस्ट की बात करता था, रेस्ट मतलब की ब्रेक, वर्क आवर्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन द प्रोसेस ही स्टैम्प अपॉन अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन दैट वुड हेल्प टू रिवोलराइज द थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। हॉटसन स्टडी कंडक्ट हुई थी 1920 से 1930 के बीच में, यहाँ यहाँ पे हुई थी, और ये इसके बारे में बात किया था, शिकागो में हुई थी। देखो क्या जनरली वो बात करने की कोशिश कर रहा है, अगर हम सिंपली भी समझे, मैं आपको बोलूंगी कि आप बहुत गर्मी में काम करो, या हम अपनी लाइफ में ही एक्सपीरियंस करते हैं कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हमारी जो बॉडी है वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाती जितना हम ठंडी में कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वेदर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी में क्या होता है, वर्क आवर्स की बात कर रहे हैं, अगर आपको बीच में ब्रेक ना दिया जाए और कंटिन्यू काम क्लियर करवाया जाए तो आपकी जो काम करने की जो आपकी जॉब परफॉर्मेंस है या जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। फिर क्या बोल रहा है, एंड ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है, सेम इसने क्या किया, उनको स्टडी किया, और पहले वो किसकी बात कर रहा है, लाइटिंग की बात कर रहा है। देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, उसका जो फर्स्ट था वो क्या बात कर रहा है, हर की फर्स्ट अ सीक्वेंस ऑफ इलिमिनेशन ऑफ टेस्ट फ्रॉम 1924 टू रेंट सेट ऑफ आउट ऑफ डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ लाइटिंग ऑन वर्कर्स efficiency and three separate manufacturing departments. According of the study reveals of no significant correlation between productivity and light levels, the result prompt researchers to investigate other factors affecting workers output. In the first series, two groups were made. One group was exposed to varying intensities of क्या बात कर रहा है, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि वो लाइटिंग के बारे में बोल रहा है, द रन उसका क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, टू रन द एक्सपेरिमेंट टू ग्रुप वर क्रिएटेड, अ कंट्रोल ग्रुप एंड अ ग्रुप with improved lighting condition. What happened when light was improved for one group? Well, productivity improved for that group. But here's the strange thing: productivity also improved in control group when they reduced light for one group. Productivity and also increased. Not only that, but encourage increase or decrease also lead to increase employee satisfaction. क्या बोल रहा है कि दोनों जैसे हमने इसमें discuss किया वो बोल रहे हैं कि इफेक्ट ज्यादा कुछ नहीं पड़ा दोनों ग्रुप का हुआ, लेकिन जो जिसकी लाइट को इंक्रीज किया गया था वो क्या हो गया, वो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सेटिस्फाइड मिले। क्या बोल रहा है, टू रन द एक्सपेरिमेंट टू ग्रुप वर क्रिएटेड, उसने दो ग्रुप बनाया, अ कंट्रोल ग्रुप और ग्रुप विद इंप्रूव लाइटिंग कंडीशन। व्हाट हैपेंड व्हेन लाइट वाज इंप्रूव फॉर वन ग्रुप, एक ग्रुप की लाइट बढ़ाई तो वेल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव फॉर दैट ग्रुप, उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई। But here's the strange thing, एक सामने चीज मेरे क्या आई, productivity also improved in the control group when they reducing light for one group, productivity also increased. Not only that, but encourage each change, मतलब कि घटाने से और बढ़ाने से also lead to increase the employees satisfaction, उनका satisfaction बढ़ गया। Many other experiment were run as a part of Horton studies, their result also contradicted was expected from scientific management. So what's going on? There were Mayo comes in. He was the person who
was able to make sense of these results which ran contrary to every expect. उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, हम बोल रहे हैं यहाँ उसने लाइट की बात की, फिर उसने अलग अलग किसकी बात की, रैले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 6 वुमेन को लिया था, उसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने बहुत सारे क्या किए एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग कंडीशंस बनाई, फाइनली वो उसके जो अधिकतर थे वो कैसे निकले, कॉन्ट्राडिक्टरी थे, बट एट द एंड क्या बोल रहा है वो कि he recognized that the worker isn't machine and they how they are treated and their environment is important. He recognized that work is group activity and employee have need for recognition and they have need for a sense of belonging. तो उसने क्या फैक्टर निकाला, एक उसको ऐसा लग रहा है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत ज्यादा क्या करता है, इफेक्ट करता है किसको, इंप्लॉइज को. उसने क्या किए, सो मैनी एक्सपेरिमेंट किए, एक लाइट का एक्सपेरिमेंट किया, फिर मशीन का एक्सपेरिमेंट किया, वो 6 साल 10 साल क्या करता रहा, वहाँ पे वर्क करता रहा और एक्सपेरिमेंट करता रहा लोगों पे, और उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसके जो एक्सपेरिमेंट थे उसने देखा, जैसे लाइट का एक्सपेरिमेंट किया, तो दोनों में ही क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी तो इम्प्रूव हुई बट एक का सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, लेवल बढ़ गया. सेम वो क्या बोल रहा है कि उसने जो उसने एक चीज उसने मेन उसने क्या किया, एक चीज उसने रिका उससे एक उसको रिजल्ट मिला कि जो मशीन पे काम करे कैसे भी उनको एनवायरमेंट इम्पॉर्टेंट होता है, कि वो किस एनवायरमेंट काम कर रहे हैं, उनकी उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसने ये फैक्टर एक क्या किया, उसने फाइंड किया. फिर उसने क्या देखा, In addition to social concern for the worker, one of the big thing to come out of the Hawthorne study was the Hawthorne effect. जिसको हमने क्या बोला, Hawthorne effect बोला, एक चीज बाहर निकल के आई. This state that change in behavior happen when you are monitoring or watching employee. The mere presence of someone watching you changes in the way of behave. You start to perform better. उसने देखा कि जब लोग काम कर रहे हैं, हमने उनके साथ इतने एक्सपेरिमेंट किए, तो देखो लाइटिंग कम होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, अच्छा परफॉर्म किया, मतलब उनके परफॉर्मेंस में, उनकी प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आया, तो उसके लिए ये स्ट्रेंज था, क्योंकि जिनकी लाइटिंग बढ़ाई गई उनका परफॉर्मेंस बढ़ना था, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी थी, वो ठीक था, लेकिन जिनके लाइटिंग में चेंजेस नहीं हुआ है या रिड्यूस कर दी गई है फिर भी उनकी परफॉर्मेंस, तो उसने एक चीज उसमें ऑब्जर्व की कि एक तो वर्किंग एनवायरमेंट बहुत मैटर करता है, उनको रिकॉग्नाइज करना, और मेन चीज उसकी जिसको हार्थन इफेक्ट बोला गया उसमें वो क्या बोल रहा है कि अगर आपको कोई क्या करे, मॉनिटर करे या वॉच करे, तो उसका उसका जो इफेक्ट है वो इम्प्लॉय पे बहुत ज्यादा पड़ता है और उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, बेटर हो जाती है. दिस एक्सप्लेन बाय प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट व्हेन लाइटिंग वॉज इम्प्रूव एंड ऑल्सो व्हेन इट वॉज मेड वर्स. The Hawthorne study was the first of its kind of recognized that they are, if they are treated and employed in a certain way, a good way, they might be more productive for the organization. तो उसको क्या समझ में आया कि अगर आपको recognize किया जाए, अगर आपको क्या किया जाए, watch किया जाए, आपको क्या किया जाए, एक good environment दिया जाए, तो आपकी जो productivity है या जो performance है वो क्या हो जाती है, improve हो जाती है. उसकी बुक्स के बारे में बता रहा है, क्रिटिसिज्म में भी होता है. फिर हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि जो इल्टन मायो, हमने कंट्रीब्यूशन देखे थे, तो फिर हमने देखा था मायोस थ्योरी ऑन मोटिवेशनल मैनेजमेंट. मोटिवेशनल मैनेजमेंट के लिए उसने क्या किया था, बताया था कि जो ग्रुप बिहेवियर होता है, जैसे हमने देखा था कि उसकी ग्रुप की कोहर्सिवनेस और क्या कर देते हैं, नॉर्म्स को बढ़ा देते हैं. उसने अलग अलग दिया था, एक ह्यूमन रिलेशन पे थ्योरी दी थी और एक मोटिवेशन पे थ्योरी दी थी. तो वो क्या बोल रहा था कि मायोस थ्योरीज ऑन मोटिवेशन में बेटर कम्युनिकेशन, ग्रेटर मैनेजमेंट इन्वॉल्व, वर्किंग इन ग्रुप और टीम, ये क्या बोल रहा था वो, हॉर्टन वर्क डिड नॉट प्रीवियसली रेगुलर वर्क इन टीम.
तो क्या बोल रहा है कि अगर बेटर कम्युनिकेशन हो किसके बीच में, मैनेजर और वर्कर्स के बीच में, तो वो मोटिवेटेड, उसकी वो एक उसने बोला था इट एम्प्लॉयज वर्किंग लाइफ, उसने बताया था कि होटल वर्क्स रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज लेवल ऑफ अटेंशन दे वर रिसीविंग, अगर उनको अटेंशन लेंगे, गुड एनवायरमेंट में काम करेंगे, उनके ऊपर प्रॉपर क्या करेंगे, सुपरविजन करेंगे या वॉच करेंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस क्या हो रही थी, बेटर हो रही थी। मायो क्या क्या बिलीव करता, देखो मेरे हिसाब से क्या बोल रहा था कि ग्रुप विथ लो कोहर्सिवनेस एंड लो नॉर्म्स, अगर मैं क्या करूं, कम से कम क्या करूं, कोहर्सिवनेस रखूं और कम से कम नॉर्म्स रखूं, दीज ग्रुप्स आर सिंपली इनएफेक्टिव एंड टर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी, अगर मैं उनको ध्यान ही नहीं दूंगी, उन पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं डालूंगी, तो वो ठीक से काम नहीं करेंगे, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। अगर मैं क्या कर दूं, कोहर्सिवनेस को बढ़ा दूं और नॉर्म्स को एकदम क्या कर दूं, लो कर दूं, तो क्या होगा, दीज टाइप्स ऑफ टीम हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, क्योंकि क्या होगा, वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे जहाँ पॉजिटिव रूल्स और रेगुलेशन नहीं होंगे, जहाँ पे कोहर्सिवनेस क्या होगी, कम होगी एकदम, और नॉर्म्स बहुत हाई होंगे, तो वहां पे क्या होगा, दिस टाइप टीम कैन हैव अ लिमिटेड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, हाई कोहर्सिवनेस रखूँ और हाई क्या रखूँ, नॉर्म्स रखूँ, तो टीम कैन मेक द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी। तो ये क्या बोला था उसने, चार उसने क्या किए थे, दो बोलना चाहिए क्या रखे थे, बेसिस रखे थे मोटिवेशनल अपने थ्योरी के, पहला रखा था ग्रुप कोहर्सिवनेस और दूसरा रखा था नॉर्म्स। अगर मैं क्या करती हूँ कि दोनों चीजों को एकदम लो रखती हूँ, तो क्या होगा, उन दोनों चीजों को लो रखने के बाद, रखने से कि जो हमारा प्रोडक्टिविटी है जो वो क्या हो जाएगी, एकदम नॉर्मल रहेगी, क्योंकि हमने क्या बोला कि उनकी परफॉर्मेंस बेटर कब होती है, जब उनपे क्या किया जाए, सुपरवाइज किया जाए, उनको प्रॉपर क्या किया जाए, ध्यान दिया जाए, उनको गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, उनके साथ कम्युनिकेशन बेटर किया जाए, तो वो मोटिवेटेड फील करते हैं, और इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, उनको कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं करने, कोई कोहर्सिवनेस नहीं है, तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, एकदम लो हो जाता है। लेकिन सेम अगर हम कोहर्सिवनेस को बस बढ़ा दें और नॉर्म्स को क्या कर दें, एकदम खत्म कर दें, तो क्या होगा कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोडक्टिविटी पे, क्योंकि वो उनका बिहेवियर जो है वो इंकरेज नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि अगर हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे दूसरी चीज को बढ़ा देते हैं, एक फैक्टर को कम कर देते हैं, कोहर्सिवनेस कम कर देते हैं और नॉर्म्स नॉर्म्स की बात करते हैं, तो इसका क्या होगा, इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा लेकिन लिमिटेड होगा, क्योंकि लोग कितने हद तक उसको नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, क्या उनकी वर्किंग कंडीशन है, वो डिपेंड नहीं होता। लेकिन अगर मैं दोनों चीजों को हाई रखूंगी तो क्या होगा, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि लोग फिर क्या करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे। क्लियर है?